आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितनी संपत्ति है, अपितु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितनी समझ है। आजकल बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी है कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। शास्त्र कहते हैं सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, अभाव में भी आपको जीने का आनंद आएगा। आपने एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति सुनी होगी ना, आधा गिलास भरा है आधा गिलास, सुना है ना सब लोगों ने। अब ये आपकी दृष्टि है कि आप उसको आधा भरा कहते हो या आधा, स्थिति वहां बराबर है। एक व्यक्ति कहता है ये आधा खाली है और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है ये आधा भरा है। अब जो आधा खाली का मतलब वो नकारात्मक है और आधा भरा का वो व्यक्ति क्या, वो सकारात्मक है। अभाव में भी जिसने भाव को देख लिया, एक कुंभनदास हुए हैं, वृंदावन में, गोवर्धन में, कुंभ आज से 500 वर्ष पूर्व, ये सुदामा तो हमारे, आप ये कह सकते हो ये पुराणों के कोई व्यक्ति हैं, इसलिए हम इनकी बातों को क्या माने, चलो इस बात इनको छोड़ो। आज से 500 वर्ष पूर्व कुंभनदास हुए हैं वृंदावन में, गोवर्धन में। घर में 17 लोग थे, पति पत्नी दोनों थे, 7 बेटे थे, 7 बेटों की पत्नियां थी और एक उनकी भतीजी थी, तो इस तरह से 17 लोग थे। वो बहुत विपत्ति में घर चलता था, बहुत बड़े भगवत भक्त थे, उनकी भक्ति को देख करके प्रसन्न हुए वहां के महाराज, और उन्होंने एक आरसी और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनको ऑफर की, थैली लेकर के उनके दरवाजे पहुंचे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं, मैं तो अपनी कृषि से ही प्रसन्न हूं, मैं तो जो खेतों में मिल जाता है उसी से प्रसन्न, मुझे ये नहीं चाहिए। इतने का मूल्य कितना होगा, लगभग आज करोड़ों में होगा उसका मूल्य। आपके पास कोई करोड़ों देने के लिए आए और आप ठुकरा दो, ये संभव है? ये संभव नहीं है। और उनके पास कुछ नहीं था, आपके पास हो तो बात अलग है। आज प्रेम भैया को कोई 10-20-50 लाख दे दे, प्रेम भैया कहेंगे नहीं भैया तू अपने पास रख, हमें क्या करना है, करोड़ 2 करोड़ दे, प्रेम भैया कहेंगे नहीं मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत ही अभाव में इनका जीवन चलता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक सोने की आरसी, बहुत महंगी होती आरसी, मतलब बहुत बड़ा सोने का एक वो, और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी उन्होंने, नहीं चाहिए हमको। अभाव वहां नहीं है, गरीबी वहां नहीं है जहां तन गरीब है, गरीबी वहां है जहां मन गरीब है। सुदामदेव जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहते थे, इसका यह मतलब नहीं कि उनके जीवन में अभाव नहीं था, नहीं, ईश्वर पर भरोसा ज्यादा था कि मेरा ठाकुर है, मेरा ठाकुर है, मेरा ठाकुर, मेरा ठाकुर। भगवान के भजन का एक ऐसा बल होता है जो बल आपको कभी भी कमजोर होने नहीं देता है। हमारे यहां सनातनी परंपरा में कहा जाता है कि आपको रोज पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, हो सके तो दोनों टाइम पूजा करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है पता है आपको? उस पूजा से आपका आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ने का मतलब है छोटी मोटी घटनाएं आपको तोड़ नहीं सकती है, छोटी मोटी घटनाएं आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। आज के समय में आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है अपने मन से, ये मन तत्काल डर जाता है, भयभीत हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उससे यदि बचना चाहो तो थोड़ा परमात्मा के सम्मुख बैठने का प्रयास करो, आपका आत्मबल बढ़ेगा, और जब आत्मबल बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी घटनाएँ भी आपको डगमगा नहीं पाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? आपको कहाँ तक समझ में आ रही आप जानो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ मैं आप तक वो बात पहुँचा रहा हूँ। सुदामदेव जी महाराज के पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भागवत में सुदामा को गरीब नहीं कहा गया है, सुदामा को बहुत धनवान व्यक्ति कहा गया। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये बहुत ऊंची डिग्री है श्री सुखदेव जी ने सुदामा को दी है। सुदामा के पास कुछ नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पहनने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सब चीज़ से वो हीन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ भागवत में सुदामदेव जी महाराज को गरीब नहीं कहा गया है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः,
एक बात मैं आपसे कहूं, आप बुरा नहीं मानना इस बात का, धर्म शास्त्र दृष्टि से, आप लोगों की दृष्टि से नहीं, शास्त्र दृष्टि से धनवान किसको कहा जाता है और गरीब किसको कहा जाता है, भिखारी कौन है और श्रीमंत कौन है? भिखारी वो है जिसको कुछ आशा है, जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो श्रीमंत है। आप किस में आते हो? थोड़ा अपने अपने भी बताते जाओ ना। आप लोग किस में आते हो, पहले में कि दूसरे में? मैंने आप लोग मेरी बात समझे कि नहीं, सुने के समझे कि नहीं समझे? भिखारी कौन है जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी है, और श्रीमंत कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए? वो जो मंदिर के बाहर भिखारी रहता है ना, उसमें और हम में अंतर क्या है? वो छोटा भिखारी, हम बड़े भिखारी, बस यही है, छोटे और बड़े का अंतर है, बाकी तो सब वही बात है। उसका कटोरा दिखाई देता, हमारा कटोरा दिखाई नहीं देता। उसका कटोरा 10-20-50 रुपए में भर जाने वाला है, हमारा 10-20-50 करोड़ में भी भरने वाला नहीं है, बस यही अंतर है। हमारे संतों ने गाया है, जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद ना ही अमीरी में। बाबा तुलसी ने लिखा है, तीन टूक को पीन के और भाजी बिन नून, रघुबर जाके हिये बसे इंद्र बापुरो कौन। जिसके हृदय में वो परमात्मा बसता है उसके आगे इंद्र की भी कोई औकात नहीं है। यहां पृथ्वी के धनाढ्यों की बात छोड़ो, तुम यहां की बात छोड़ करके इंद्र, यहां कितना भी हमारे पास धन हो, इंद्र जैसा धन किसी के पास भी नहीं है। वो साधु इंद्र को भी अपने आगे कुछ नहीं मानता। कौन सा साधु? जो परमात्मा से जुड़ा है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पहनने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी पास में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इंद्र को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझता है। तीन टूक को पीन के और भाजी बिन नून, रघुबर जाके ही वसे इंद्र बापुरो